मित्रों, अगर कोई एक फिल्म में या फिर कोई एक वेब सीरीज में अगर कॉमेडी के धुरंधर एक साथ हो तो एक बार तो मन बनता ही है कि भाई इसे एक बार तो देख ही लेते हैं। तो मैंने भी यही सोचकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज पॉपकॉर्न देखी। कॉमेडी के धुरंधर की बात करूँ तो कुणाल खेमू का जो लेवल है कॉमेडी का, वो हर नई दूसरी फिल्म में वेब सीरीज में बढ़ते जा रहा है दोस्तों। पहले ही सीन से आपको कुणाल खेमू जो है वो इम्प्रेस कर देंगे। कुणाल खेमू है, जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, सतीश कौशिक है, और भी बहुत सारे कॉमेडी के धुरंधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी ने अपने अपने काम को बहुत अच्छा किया है। एक तो वो कॉमेडी के पुराने धुरंधर है, तो डायलॉग डिलीवरी की बात ही मत करो, कॉमेडी टाइमिंग की बात ही मत करो। सभी ने जिन जिन लोगों के हाथ में जितना जितने डायलॉग्स आए हैं, कॉमेडी पंचिस आए हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन्होंने उस डायलॉग को, उस पंच को डिलीवर किया है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पर सौरभ शुक्ला जी की बात की जाए तो सौरभ शुक्ला जी के हाथ में एक ऐसे पंच आता है कि मतलब बोलते हैं ना कि भाई उसको तो वो बोलते हैं, तो बोलता है नहीं उसको वो बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, नहीं उसको वो बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि कोई बोल रहा है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो बोलता है कि थप्पड़ तो हम उसको बोलते हैं, कि उसको थप्पड़ नहीं बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। तो इस तरह से कई सारी कॉमेडी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहानी की दोस्तों मैं बात करूँ तो साहिल नाम का एक लड़का है, लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन शादी से ठीक पहले पता चलता है कि उनका बाप कौन है जिसके साथ वो जॉनी लीवर जी के साथ रह रहा है, लेकिन जॉनी लीवर उसका असली बाप नहीं है। तो वह लड़की के जो पिताजी हैं सौरभ शुक्ला, वो शर्त रखते हैं कि पहले तो अपने ओरिजिनल बाप को ढूंढ के लाओ, फिर शर्त रखते हैं कि अपने जो बाप था, बाप की कुछ अच्छी सी क्वालिटी ढूंढ के लाओ, तो ऐसा कुछ शर्त रखता है। तो फिर उसकी शादी होगी नहीं होगी उसके बारे में ही हमें यहाँ पर देखना है। तो वैसे तो मैं आपको बोलूँ कि प्रिडिक्ट क्लाइमेक्स जो है वो तो प्रिडिक्ट हो जाता है, लेकिन एक बात है कि जो कॉमेडी है इस सीरीज़ की वो काफ़ी अच्छी है। सभी एक्टर आपको हंसाने में, सभी एक्टर आपको इम्प्रेस करने में सफल रहते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि कॉमेडी फिल्मों में, कॉमेडी वेब सीरीज में यही होता है, दिमाग घर पर रखो, उसके बाद कोई भी कॉमेडी फिल्म या वेब सीरीज देखो तो ही आप फ्रेश हो जाओगे। तो आपके पास टाइम है तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पहले एपिसोड से आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर इम्प्रेस होते हो तो आगे देखना, वरना छोड़ देना। प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है, म्यूज़िक भी ठीक ठाक है, एक्टिंग सभी एक्टर की अच्छी है, बाकी स्टोरी भी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी आपको हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई कॉमेडी, कुछ ना कुछ कॉमेडी पंचेस देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार। आपने अगर ऑलरेडी सभी एपिसोड देख लिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी है सीरीज़। और मैं भी बता दूं कि सीज़न 2 के लिए भी यहाँ पर द्वार खुले रखे गए हैं, तो सीज़न 2 भी इसका आएगा ही। धन्यवाद।